तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में कौन नहीं जानता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शो उन चुनिंदा शो में से एक है जो कि लंबे समय से दर्शकों को हंसाता आया है। 14 साल से चल रहे इस शो की इतनी बड़ी सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ इनके किरदार और इनके निभाने वाले कलाकार के हैं, जिन्होंने अपना 100% देकर इस शो को आज इस मुकाम तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वही दर्शकों का मानना है कि शो के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदारों में से एक दया बेन का किरदार रहा है। दया बेन के किरदार को निभाने वाली अदाकारा यानी कि अभिनेत्री दिशा वकानी रही हैं। मजे की बात तो ये है कि दिशा वकानी को आज उनके असली नाम से भी ज्यादा उनके इस किरदार वाले नाम यानी कि दया बेन के नाम से जाना जाता है। हाल ही में दया बेन को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि वे जल्द ही शो में वापसी कर सकती हैं। आपको बता दें कि ये खबर बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्सेज से आ रही है। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दया बेन को नहीं जानता होगा और उन्हें देखना नहीं चाहता होगा। भले ही दया बेन सिर्फ एक टीवी कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी आज उनको बहुत पसंद किया जाता है। दिशा वकानी ने सालों पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को अलविदा बोल दिया था और इसके पीछे का कारण उनकी प्रेगनेंसी थी। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि दया बेन एक बार फिर से शो में जल्दी वापसी कर सकती हैं। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हाल ही में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है, जिससे ये पता चला है कि दया बेन की वापसी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में जल्दी हो सकती है। और इसकी खास वजह ये है कि इस शो के मेकर्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि दया बेन इस शो का हिस्सा जल्दी बनने जा रही है। आप दया बेन की वापसी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और आप इस तरह किन पुरानी कैरेक्टर्स को वापसी देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे टीवी की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।